नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रीन ट्रेडर में एक बार फिर से। और दोस्तों बहुत ही मतलब आप लोग वैरायटी के स्टॉक पूछते हो। कोई कोई आईटीसी पूछ रहा है, कोई बजाज ऑटो पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। इतने स्टॉक में ट्रैक भी नहीं करता हूँ और फिर मैं इतनी वीडियोस भी नहीं बना सकता हूँ। कम से कम 10-15 स्टॉक में एक साथ कैसे कवर करूँ, ठीक है? और सिर्फ बाई सेल मुझे थोड़ी बताना है, मुझे उसका एनालिसिस करना है। तो फिर जो चीज मुझे कॉमन दिखती है मैं वो कवर करता हूँ। जैसे टाटा मोटर बहुत लोगों ने पूछा और फिर HDFC भी काफी लोगों ने पूछा, तो मैंने उनके ऊपर वीडियो बना दी। देन जो दूसरी चीज कॉमन सबसे ज्यादा गोल्ड सिल्वर पूछते हैं, तो मैं सबसे पहले तो बता दूं मैं कमोडिटी में बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। इक्विटी में वो अच्छी बात यह है 3:30 बजे खत्म हो जाता है, अपना भी बोरिया बिस्तर उसके हिसाब से बन जाता है। पर मैं बिल्कुल भी कमोडिटी में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। बहुत रात तक इसमें मौका होता है, एक बार घुस गए तो फिर लगे रहते हैं। बट वीकली मैं सोच रहा हूँ कि पूछते हैं लोग, वीकली इसको जरूर कवर कर दिया करो ताकि आप लोगों को एक व्यू मिल जाए करे कि भाई क्या होगा आगे, ठीक है? तो ये गोल्ड का चार्ट है, फिलहाल 848594 पे है और मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है। तो आप ये देखेंगे कम से कम भी इस पूरे साल फेब में ये ऊपर नीचे करके इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके, और फिलहाल यहाँ पे 49, ये कितना लेवल निकल के आ रहा है, 49,600 लगा लीजिए आप, इस लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है? वो जनरली गोल्ड ऐसे ही ट्रेड करता है। और मैं इसको अब डेली चार्ट पे आपके सामने लगाऊंगा। अगर थोड़ा मुझे चार्ट छोटा करना पड़ेगा, ये देखिए आप, ये रेंज हो गई इसकी, ठीक है? तो इसमें जो नेक्स्ट वीक में ट्रेड करना चाह रहे हैं, मैं उनको बता दूं वो ये लेवल पे नजर बना के रखें। बहुत ही सिंपल ट्रेड निकल के आ रहा है क्योंकि एक बेस के ऊपर जाके टिका हुआ ये है आपका, कितना है ये लेवल, 48,350, 48,350। इसके ऊपर अगर गोल्ड रहता है तो गोल्ड का आप टारगेट लेके चल सकते हैं, या फिर बाई करिए। SL आपका 48,350 रहेगा, कोई भी क्लोजिंग 48,350 के नीचे आती है तो आपका SL हिट है। बाई करके चलिए 49,400 के लिए। ये कितना है, 49,300, सॉरी 49,300 के लिए आप गोल्ड को बाई करके चल सकते हैं, ठीक है? SL मैंने आपको बता दिया, ये आप नेक्स्ट वीक में चीज कर सकते हैं। बाकी पोजिशनल बेसिस में आपको बता दूं, जो मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ था, जी हाँ करेक्ट, ये है बुलिश जो ट्राइंगल है इसका, हमेशा ज्यादातर ब्रेकआउट ही आता है, मतलब ऊपर की तरफ ही ट्रेड जाता है इसमें। इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है भाई। ये देखिए, ये जो यहां बना हुआ है, ये जो ट्रायंगल पूरा बना हुआ है, हाल ही इसके बीच में समय बिता सकता है, इसके पास समय पूरा है। होगा क्या, देखिए यहां पर, यहां पर, यहां पर बहुत टाइम है इसके पास, पर इसमें होती क्या है चीजें, ये ऐसे होती है, न्यू, ये, फिर ये, फिर ये, फिर एक बार इससे टकराएगा, फिर ये ब्रेकआउट देगा, ठीक है? काफी पॉसिबिलिटी है, ऐसे ही इसमें प्ले आउट होता है। जब ये इसका ब्रेकआउट देगा तो गोल्ड के दोबारा से टारगेट 56,000 प्लस हैं। तो ये आप देखिएगा, कोई भी क्लोजिंग गोल्ड की इस लेवल के ऊपर आ जाती है, अगर ये लेवल है आपका 49,500, कितना 49,500 के ऊपर अगर गोल्ड क्लोजिंग दे देता है तो आपको इसको 56,000 के लिए सीधा बाई कर लेना है, क्योंकि ये पूरा साल इस रेंज में बिता के ब्रेकआउट दे, ठीक है? ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, यहां से ये जो पैटर्न बना हुआ है इसमें क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन होने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, मुझे इसमें ब्रेकआउट होने के चांसेस
ज्यादा लग रहे हैं। तो ब्रेकआउट का जो लेवल निकल के आता है वो है 49500। बाकी मैं भगवान नहीं हूं दोस्तों, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर गोल्ड आपको ये और देन ये, अभी दोनों लेवल मैं आपको बता देता हूं। ये है 44,000 और ये है 41,000। बट महंगाई इतनी होने वाली है तो गोल्ड को फंडामेंटली भी आप देख सकते हैं इतने नीचे की तरफ नहीं आएंगे भाई। तो ये हो गया आपका गोल्ड। और अब आते हैं हम सिल्वर पे। सिल्वर में दोस्तों बेहतरीन, इसको तो मैंने क्लियर कट लोगों को बताया भी था और ये रैली लोगों ने कैच भी की थी। दो तीन एक मैम थे और पता नहीं क्या नाम था उनका, उन्होंने काफी थैंक यू भी बोला था। यहाँ पे मैंने बाई बोला था 58,000 पे गोल्ड को बाई करो। टारगेट मैंने 72,000 दिया था बट 67,000 पे इस लाइन का रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ गया। बट वो आएगा ठीक है। ये क्या करेगा अभी यहाँ पे गया है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको ब्रेकआउट देना चाहिए जो मैं देख पा रहा हूँ। और जब ये इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट दे देगा तो इसका टारगेट भैया यही है ये। अभी देख लेते हम ये है क्या। ये देखिए 72,000। तो एक बार चांदी को 72,000 आना, क्योंकि मैं पहले एनालिसिस कर चुका हूँ, 72,000 इसने आना है ठीक है। पर टारगेट कैसे देगा वो आप समझिए ठीक है। और इसको एक बार हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे भी देख लेते हैं। अभी क्या उम्मीदें निकल के आ रही हैं, इसने लो लगाया है और ये है इसका 0.78 करेक्ट करेक्ट। तो 63,000 और 64,000 65,430 अभी कितना है 162। अगर आप अभी बाय करते हैं ना तो यहां से एसएल लगाइए आप 61160 61160 ये आप ऐसे लगाइए और टारगेट रखिए 6300 और 6550। बाकी जब इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट आ जाए ये 72,000 के लिए बाई कर लेना। तो ये है, क्योंकि अभी देखिए समय है, यहाँ पे और दो तीन हफ्ते बिता सकता ठीक है। बाकी मैं वीकली रिव्यू करता रहूंगा क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं। और बट डिस्क्लेमर ये है कि मैं कभी कमोडिटी में ट्रेड नहीं करता हूँ, ना ही मैं इन चीजों को ट्रैक करता हूँ। हाँ, आप लोगों को बताने के लिए मैं वीकली चार्ट खोल के आपको लेवल्स वगैरह जरूर दे दूंगा। तो यहाँ पे अगर बाई करते हैं तो ये एसएल आपका ये होना चाहिए भाई, जो चार्ट है चार्ट में अच्छे से पढ़ लेता हूँ, ये एसएल होना चाहिए 61160 गोल्ड में और टारगेट 6300 6550 आ रहे हैं। बट ये इसका अगर ब्रेकआउट नहीं देता, ट्राइंगल का अगर ब्रेकआउट नहीं देता, रेजिस्टेंस लेके नीचे आता तो फिर से एक बार नीचे की तरफ आएगा ठीक है। फिर कभी ऐसे ब्रेकआउट देगा, पर जब भी इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट देगा 72,000 आना चाहिए। बीच के पड़ाव ये रहेंगे, ये रहेगा जैसे, ये रहेगा जैसे, बट काफी टाइम के बाद देगा ये, पूरा पूरा टाइम निकाल के देगा तो 72,000 आएगा फिर उसके बाद ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, लाइक कीजिए वीडियोस, शेयर कीजिए इनकेस आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।